अस्सलाम वालेकुम, नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खिजर कलासरा। वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उससे आप भी बाखबर रहना चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि आपको बाखबर रखा जाए, उस पर बात की जाए। आज एक हंगामा खेज इजलास था जो अपोजिशन की तरफ से एक बड़ा पावर ऑफ शो था। उनकी बड़ी तादाद जो है 172 के करीब बताई जाती है, 172 अरकान जो है मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों के जो MNAs थे वो इजलास में मौजूद थे। हुकूमत की तरफ से जो है शो ऑफ पावर नहीं था या उनके पास था नहीं। कौमी असम्बली का इजलास में जो है वो खासी मुंतजर थे लोग कि आज क्या होता है, स्पीकर क्या करते हैं, अपोजिशन किस तरह मामलात को लेके चलती है। अपोजिशन ने बारावर कराया कि वो इस पावर में आ चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को घर भेज सकें या उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकें। दूसरी साइड पे जो हुकूमत है उसके अपनी जगह पे दावे मौजूद हैं, लेकिन ये फैसला बारह वोटिंग के दिन होना है। लेकिन आज जो कुछ देखा किया उस पर खासा पैगाम था, खासी उसमें इस चीज़ की नई बात थी कि अपोजिशन जो है जो तकसीम नज़र आती थी वो आज जो है यूनाइटेड नज़र आई। और ख़ासे MQM का आपको पता है कि वो अपोजिशन के साथ जा मिली है, उनके वज़रा ने हुकूमत से इस्तीफ़े दे दिए हैं और एक बड़ा इतिहादी टूटने से बहरहाल हुकूमत को मुश्किल पैदा हुई है। फिर इसके अलावा जो कल सिंध हाउस में ये देखा गया कि PTI के मुनहरिक जो अराकीन हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, 195 का दावा था अपोजिशन की तरफ से, उनकी फुटेज भी चली, वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पे आई कि ये अराकीन मौजूद हैं। इस सारी सूरत हाल में जो है इस्लामाबाद जो है वो तवज्जो का मरकज़ है। उधर आपने ये सूरत हाल भी देखी कि चौधरी परवेज़ इलाही मतलब मुस्लिम लीग काफ जो है उसकी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाने के हवाले से जो ऑफ़र की गई, जो उनकी तरफ से कहा गया कि उन्होंने कबूल कर ली है। बुज़दार साहब के इस्तीफ़े पे भी खासी बात हो रही है, वो इस चीज़ पे हैं कि वो इस्तीफ़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए देंगे, दे दिया है, उसकी तस्दीक भी हो रही है। लेकिन अभी तक ज़ाहिर है उसका प्रोसेस या बाकी चीज़ें मरकज़ से ही शुरू हो रही हैं। चौधरी को वो वज़ारत आला पंजाब की जो उनकी ख्वाहिश है या उनको ऑफ़र की गई है उसका बहरहाल हतमी फ़ैसला तो इस्लामाबाद के फ़ैसले के बाद ही होगा, क्योंकि उधर तरीन ग्रुप भी है, अलीम ग्रुप भी है, पंजाब के अंदर जो है PTI के अपने अंदर जो है खासे ग्रुप्स हैं। तो ये मतलब सूरत हाल देखने को मिल रही है। वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद भी इस हवाले से जो नाराज़ नला या जो ये कह रहे हैं उनमें तारिक बशीर चीमा भी है जो मुस्लिम लीग काफ की तरफ से, जिसका ये वज़ारत से इस्तीफ़ा भी दिया है, साथ ये भी कहा है कि वो अदम इतमाद के हक़ में वोट देंगे, मतलब प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ ही वोट देंगे। तो इस सूरत हाल में जो आज इजलास था जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था वो यकीनन अहम था। 27 वाला जो जलसा था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, जो उन्होंने ख़त लहराया, वो सूरत हाल भी यहाँ पे चल रही है। अब ऊँट किस करवट बैठेगा उसके लिए मतलब तबसरे तज्जिए किए जा रहे हैं और उनकी ख़ास अहमियत है, लेकिन इतनी जल्दी बाज़ दफ़ा हालात बदलते हैं कि पता नहीं चलता। लेकिन अब इतना हो चुका है कि अपोजिशन के जो दावे थे जो सिंध हाउस में उन्होंने राजा रियाज और दीगर जो अराकीन दिखाए या फिर रुकन कौमी असम्बली बासित बुखारी की तरफ से नाम फ्लोट किए गए एक TV चैनल के शो में कि जी ये अराकीन जो है उनके साथ हैं, वो भी खासा टॉक ऑफ टाउन रही। तो अब मतलब आज का इजलास जो था उसमें अपोजिशन क्योंकि अक्सरियत में थी तो इसलिए उन्होंने जो हुकूमत चाह रही थी वो नहीं करने दिया। गैर स्पीकर ने बहरहाल उनकी बात सुनने को तरजीह दी। तो उस क्वेश्चन आंसर के सेशन में सिर्फ एक ही सवाल जो अपोजिशन की तरफ से सवालात किए गए थे वो सवाल करने की बजाय जो है ये कहते थे कि नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग कब हो रही है, वो उसे फौरी तौर पर कराया जाए। शाजिया मरी थी,
औरंगज़ेब थी अपना, इसी तरह जवेद सॉरी अपना रुहेल असगर साहब, या बाकी जिससे भी पूछा स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने कि जी आप सवाल करें, तो वो सवाल की बजाय कहते थे कि नो कॉन्फिडेंस का वोटिंग है, वो जितना जल्दी मुमकिन है वो कराई जाए। बहरहाल उसका नतीजा जो निकला, स्पीकर ने जो है 1 अप्रैल तक जो है इजलास जो है वो सुबह 11 बजे तक जो है उसे मुलतवी कर दिया। तो अब बात आगे बढ़ गई है और दूसरी साइड से ज़ाहिर है पीटीआई की जो क़ियादत है या हुकूमत है वो भी इस मामले को देख रही है कि 63A का जो मामला है वो किस तरह लागू हो सकता है, उनके अभी में जा रहे हैं। लेकिन बड़ा डेंट जो है वो MQM का है, उसे हुकूमत किस तरह फिलअप करेगी ये देखना है। अब लोग पावर सर्कल्स की तरफ भी देख रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई शायद इंटरफेरेंस होती है नहीं होती, या जो दरमियान में या बैक डोर डायलाग हैं वो चल रहे हों, मतलब मुख्तलिफ आरा हैं जो इस्लामाबाद में चल रही हैं। लेकिन अपोजिशन जो है वो बाज़िद है कि अब इमरान खान को वो एक जमहूरी अमल के ज़रिए, एक वोट की ताकत के ज़रिए जो है वो करने में कामयाब हो जाएंगे। तो सो ये जो है अपडेट था, मैंने कहा आपसे शेयर करें, मज़ीद भी करेंगे और आपसे ये तवक्को भी रखेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपनी आरा भी देंगे। बहुत शुक्रिया।